निकला जी फिर से गाड़ी चलाते हुए। टीवी में नहीं आते आप आजकल, सीधी तरह टपोंदा ना। दूसरे स्टाइल में चमकती है बाबा है, क्योंकि अपनी रानी आ रहा है, रानी आ रहा है, सुंदर रानी आ। गाइस थक गया यार दौड़ दौड़ क्या, अपनी बिल्लो लोड है तो ये अपने रिंकू भाई फुल पावर भाई साहब। पानी पुनी भी मैंने मार दिया ना पूरा, देख लो धूल धाल सारी साफ है। निकलते अभी यहाँ से, साफ सफाई हो रही है गाइस गाड़ी की, और अभी इसको पूरा धोऊंगा एकदम बढ़िया। और पेवर्स हो रहे हैं लोड 60 mm के आई है, ऐसा ये कि ये कहाँ जाना है फिर देर बाद। साफ सफाई भाई ना, बाकी काम बाद में, क्योंकि आपको पता है बिल्लों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कपड़े भी धोने थे जिनसे मैंने गाड़ी साफ की था, या जो ठेकेदार इनका ही सर छोड़ता है हर बार तो मैं धो रहा हूँ कपड़े, क्योंकि ये जो है ना धोने जरूरी होते हैं, गंदे होते हैं तो हर बार धोने थे। देखो धूल कितनी थी, धूल ये देखो धूल। तरह बैठ सीधी तरह जे टपोंदा ना सीधी तरह बैठ। गाइस पहुंच गए हम पलचान, तो बुरुआ वाले रोड में जा रहे हैं हम, तो नीचे ही है कहीं बोल रहे हैं व्हाइट हाउस कैफे कुछ ऐसा नाम है, तो अभी ढूंढते हैं उस कैफे को, पता तो लग ही जाएगा। तो वहाँ का मटेरियल है अभी देखते हैं। पहुँच गए गाइस हम, ये वाला कैफे है व्हाइट हाउस कैफे, यहाँ का मटेरियल है। आए तो वहाँ अपना जो नेहरू कुंड के वहाँ जो पुल है ना, वो है अपना नेहरू कुंड पर है, ठीक है। अब ये नया पुल तैयार नहीं हुआ, अभी पुराना पुल है ना, वहाँ से ना ट्रक खाली जाता ना लोड, तो मार को घूम फिर के आना पड़ता है पलचान से वहाँ के ऊपर से आना पड़ता है, कम से कम 7-8 किलोमीटर का गैप पड़ता है, तो इसलिए हम आए ऊपर से ना, खाली भी नहीं जाए, खाली भी मार्ग वहाँ जाना पड़ेगा। अभी बोल रहे कि इनके कोई गेस्ट है, गेस्ट निकला यहाँ से, इसके बाद होगा यहाँ पर शायद पैराडाइज कुछ लिखा हुआ है भाई था उसके के नाम से बना बिल, और मेरे को ये पता नहीं है कि यही है कि नहीं है, वैसे खुद ही रोका था इन्होंने, कन्फर्म तो है कि यही है। बाकी जब से नया पुल बन जाएगा ना तब से भाई मजा आएगा। देखो तो करीबन 5 चक्कर हैं आके, 2 लगेंगे आज, 3-4 हम कल लगा देंगे, तो मिस्त्री जी आ गए हैं, चलो गाड़ी उतारते हैं। हम पलचान पहुंच चुके हैं और हमारी गाड़ी तो देख ही सकते हैं, हमारी बिल्लो दूसरे स्टाइल में चमकती है बाबा है, क्योंकि अपनी रानी आ रहा है, रानी आ रहा है, सुंदर रानी आ। हाँ जी हम आए पलचान,
हाँ जी गाइस, वापसी हो रही है और हम पहुंचे हैं जहां पर ग्रीन टैक्स कटता मनाली का। चेले थोड़ा बाहर गया, चेले को काम है, तो भी हमने इसके बाद खाना खाना, इसका सीधा वापसी दोबारा से लोड करके वापस मनाली। तो गाइस अब लिंडू फिंडू चेला गाड़ी चला रहा है, देख सकते हैं आप, ऐसे होते हैं लिंडू लिंडू और फिंडू चेले, जिनको की मतलब की ढंग से गाड़ी पटनी भी नहीं आती अभी। गाइस यार, मेरे गुरुजी मेरे से नाराज हो गए थे, 3 दिन से बात नहीं कर रहे थे, तो मेरे अंदर पानी भी नहीं जा रहा, थोड़ा अजीब ही लग रहा। क्यों नहीं कर रहे थे बात, अभी बता। क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बताया, बोला था गाड़ी लोड हो गई है, अब हम जा रहे हैं सीधा मनाली। अब हम ज्यादा बीच का कुछ बताएंगे नहीं, अब हम सीधा अनलोडिंग पे मिलेंगे। कहाँ जा रहे हैं, पूरा ब्लॉग बन चुका है, ट्रिप वहीं का ही है, अब हम सीधा अनलोडिंग। ठीक है, फिर मैं करूंगा। सेकंड ट्रिप हो चुका है गाइस खाली, और अब हम जा रहे हैं घर। चेला जी फिर से गाड़ी चलाते हुए, मैंने आज गुरु जी से अपने से माफी मांग चुके हैं भाई की, अपनी मैं अभी बहुत ही खुशी हो रही है चेला जी को, खुशी। भाई जी क्या हाल चाल है, टीवी में नहीं आते आप आजकल, नाराज जी क्या हो गया, टीवी में आए करो। हां बिल्कुल आ गए यार, चेला चल गया घर ना, मैं भी जा रहा हूँ घर। 9 बज गए भाई, बहुत लेट हो गए, वापसी हो गई है, और दोनों ट्रिप लगे भाई वहीं का ही था, मैंने ज़्यादा बताया नहीं, इसलिए मैंने आपको पहले के ट्रिप में सब कुछ बता दिया था। बाकी उसी जगह सेम पॉइंट का ट्रिप लगा, अगले कल भी वहीं का ही ट्रिप है, उसी वाले पॉइंट का, उन्हीं होटल का ट्रिप है शायद सुबह, तो अभी रात हो चुकी है बहुत, और सुबह का मेरे को लगता नहीं सुबह मैं जल्दी उठ पाऊँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं दिन रात चलाऊँ, तो शरीर भी बोल रहा है कि भाई सो जा आराम से। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद यार, तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ यार आज, चेला इसीलिए मैंने बुलाया था, चेला मैंने क्या बुलाया था, खुद ही आ गया था, एक दिन बुलाया था तो आया नहीं था, तो आज वो खुद ही आ गया था, तो मतलब आते जाते उसने गाड़ी चलाई जब से वो आया है, तो मेरे को थोड़ा रेस्ट मिल गया यार, और तो क्या है थोड़ा, चलो तो मतलब थोड़ा रेस्ट मिला, गाड़ी में भी काफ़ी सोया मैं, थोड़ा रेस्ट मिला ज़्यादा नहीं, तो चलो अभी पार्किंग में लगाते गाड़ी फिर निकलते हैं घर।